हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चालू किया था एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जिसको हमने कहा था सोइंग पर्पस। याद दिला रहा हूँ, धीरे धीरे आज ज़्यादा एग्जांपल है, समझे। पहले हमको सीखना विथ ए व्यू टू का उपयोग और सो दैट या इन ऑर्डर दैट का उपयोग। ये इन ऑर्डर टू का उपयोग हमको नहीं सीखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आता नहीं है। आपको याद दिला दूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सोइंग पर्पस। पर्पस यानी ध्येय, यानी कोई भी काम होगा उसके पीछे इसका ध्येय आना होना बहुत ज़रूरी है। आपको दोस्तों वाक्य बनाते समय उसका हिंदी समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी आपको नहीं आएगा बेटा, तो आप जो आधा वाक्य पूरा करना है वो कभी नहीं कर पाएंगे। पर एग्ज़ाम में वही आता है, ये जो आज सिखाऊंगा कल सिखाऊंगा वो नहीं आएगा, तो परसों जो कंप्लीट द सेंटेंस सीखते वही आता है। इसलिए आपको दोस्तों हिंदी अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। याद दिला दूँ आपको एक बार फिर से नियम, जिस क्रिया के आगे टू हो वहाँ से वाक्य टूटता है। विथ ए व्यू टू लगाते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं, और अगर सो दैट लगाते हैं या इन ऑर्डर दैट लगाते हैं तो कर्ता प्लस कैन या कुड लगाते हैं। कैन कब कुड कब, तो उसके लिए यहाँ देखने का, अगर ये क्रिया का पहला रूप है आगे तो कैन लगाना है, अगर वो दूसरा रूप है तो कुड लगाना है। दोस्तों ऐसा के एक वाक्य और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विनोद प्लेड वेल टू विन द मैच। हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। आपको वापस से बोल दूँ बेटा, मैं विनोद प्लेड वेल, यानी विनोद अच्छा खेला। क्यों अच्छा खेला, कोई ध्येय था उसका? हाँ बिल्कुल था सर। क्या था? विन द मैच, यानी मैच जीतने के लिए। यानी विनोद के अच्छे पीछे खेलने के पीछे ध्येय था उसका मैच जीतना। अब जिस क्रिया के पहले टू है यहाँ है, विथ ए ब्यू टू लगाकर आई एन जी लगा देंगे, वाक्य बन जाएगा मेरा विनोद प्लेड वेल विथ ए व्यू टू। विथ ए व्यू टू के साथ हमेशा आई एन जी आता है। अभी विन में जब आई एन जी लगाएंगे तो आप देख सकते हैं एन के पहले आई है जो कि स्वर है, तो डबल बार हो जाएगा विथ ए व्यू टू विनिंग द मैच। यानी विथ ए व्यू टू मतलब के उद्देश्य से, तो विनोद मैच खेला जिससे कि विनोद अच्छा खेला जिससे कि सॉरी विथ ए व्यू टू के उद्देश्य से विनिंग द मैच, मैच जीतने के उद्देश्य से विनोद अच्छा खेला। सो दैट का उपयोग करूंगा अगर मैं, तो कैसे वाक्य बनाऊंगा? विनोद प्लेड वेल सो दैट, जिससे कि, अब पहले नियम है सो दैट का, करता विनोद है इसलिए आगे ही। अब कैन या कुड, तो यहाँ प्लेड सेकेंड फॉर्म है इसलिए लिखा ही कुड। फिर बाकी जब आके वही क्या हुई, विन द मैच, हिंदी हो गया विनोद अच्छा खेला जिससे कि वह मैच जीत सके। और दोस्तों देखते हैं कैसे वाक्य लिखा है, पीपल गो एब्रॉड, टू अर्न मनी। मतलब दोस्तों पीपल यानी लोग, गो यानी जाना, एब्रॉड यानी विदेश, लोग विदेश जाते हैं। क्यों जाते हैं विदेश, कोई कारण है? हाँ, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। लोग विदेश पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ध्येय इसमें छुपा है। लोग विदेश रखड़ने नहीं जा रहे हैं, पैसे कमाने जा रहे हैं, ध्येय है। अब विथ ए व्यू टू लगाना है यहाँ से तोड़ देने का, पहले ये जितना भी शब्द है ऐसा के ऐसा आ जाएगा, पीपल गो एब्रॉड, यहाँ से हो जाएगा विथ ए व्यू टू, अर्न के अंदर आइए विथ ए व्यू टू के साथ आइए एन जी आता है विथ ए व्यू टू अर्निंग मनी। इसी को जब सो दैट से बनाऊंगा बड़ा, तो आगे का वाक्य तो कुछ नहीं, पीपल गो एब्रॉड, यहाँ ध्यान देना सो दैट। फिर नियम है कर्ता, कर्ता में पीपल है। अब पीपल मनोज होता तो ही, श्वेता होती तो सी, मैं आई होता तो आई, यू होता तो यू, वी होता तो वी, लेकिन ये पीपल है, पीपल के लिए दे लगाते हैं दे। कैनिया कूड, तो यहाँ पर गो, गो क्रिया का कौन सा रूप है? पहला रूप है, इसलिए दे कैन। क्यों कैन लगाया? वो पहला था इसलिए लगाया बड़ा, दे कैन, बाकी ऊपर का ऐसा कैसा, अर्न मनी। मतलब लोग विदेश जाते हैं जिससे कि वो पैसे कमा सके। और देखते हैं दोस्तों एक वाक्य है, आई हायर्ड ए टैक्सी टू रीच बरोड़ा अर्ली। यानी आई हायर्ड, हायर्ड यानी तो एक किराए पे लेना, मैंने एक टैक्सी किराए पे ली। क्यों ली? टू रीच बरोड़ा अर्ली, जल्दी बरोड़ा पहुंचने के लिए।
यानी बस से या ट्रेन से जाता तो देर हो जाती, जल्दी पहुंचना था इसलिए। वाक्य में यहाँ से बनेगा वाक्य अपना, तो वाक्य बनेगा आई हायर्ड ए टैक्सी। आगे का तो कुछ नहीं करना है, विथ ए व्यू टू लगाना, आई एन जी याद रखेंगे, विथ ए व्यू टू के साथ हमेशा टू से वाक्य टूटेगा। विथ ए व्यू टू, रीच का हो गया रीचिंग बरोड़ा अर्ली। इसी को जब सो दैट से बनाऊंगा कैसे बनेगा, आई हायर्ड ए टैक्सी सो दैट, करता करता कौन है यहाँ, आई, तो आई लिखा। कैन या कुड, तो ये देखा हायर्ड, हायर्ड क्रिया का दूसरा रूप ईडी लगा इसलिए आई कुड। बाकी वाक्य ऐसा कैसा, रीच बरोड़ा अर्ली, मतलब मैंने टैक्सी किराए पे की जिससे कि मैं बरोड़ा जल्दी पहुंच सकूं। और देखते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी दोस्तों हिंदी समझे, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं, टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय का ज्ञान लेने के लिए। अब दोस्तों यहाँ से वाक्य टूटेगा, विथ ए व्यू टू लगाकर आई एन जी लगाएंगे तो स्टूडेंट्स गो टू स्कूल क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे इसके आगे विथ ए व्यू टू, लर्न में लगा दिया आई एन जी, विथ ए व्यू टू लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं अलग अलग विषयों का ज्ञान लेने के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू यानी के उद्देश्य से। इसी को जब सो दैट से बनाऊंगा तब स्टूडेंट्स गो टू स्कूल सो दैट, करता है स्टूडेंट्स यानी बहुवचन हो गया तो दे लगा दे, दे कैन या कुड ऊपर नियम लिखा ही है, तो यहाँ गो पहला रूप है इसलिए दे कैन लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी बच्चे स्कूल जाते हैं जिससे कि वो अलग अलग विषय सीख सकें। और देखते हैं वाक्य लिखा है, मान लीजिए मनीषा मनीता वर्कड हार्ड टू गेट 90%, यानी मनीता ने कठिन मेहनत की, क्यों मेहनत की, टू गेट 90%, 90% लाने के लिए, यानी मनीता का ध्येय था कि 90% लाने थे, इसके लिए उसने किया। वाक्य यहाँ से टूटा, मनीता वर्कड हार्ड विथ ए व्यू टू गेटिंग, गेटिंग में डबल टी होगा, आप जानते हो टी के पहले ई स्वर है इसलिए, विथ ए व्यू टू गेटिंग 90%। सेम वाक्य जब नीचे बनाऊंगा, मनीता वर्कड हार्ड सो दैट, अब मनीता एक लड़की है इसलिए सी, कैन के कूड, तो यहाँ वर्कड लिखा है भूतकाल है इसलिए क्या लिखेंगे, कूड गेट 90%, मतलब मनीता ने मेहनत की जिससे कि वह 90% प्राप्त कर सके। याद रखिए विथ ए व्यू टू लगाना है तो उसके साथ आई एन जी लगाना है, और सो दैट लगाना है तो उसके बाद कर्ता प्लस कैन या कुड लगाकर वाक्य बनाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।